सपना हमारे जीवन के सबसे रहस्यमय और दिलचस्प अनुभवों में से एक है, जिसका अनुभव हम रोजाना करते हैं। सपना हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जाता है जहां हमारे साथ घटने वाली सभी घटनाएं हमें वास्तविक लगती हैं, लेकिन जैसे ही हम नींद से जगते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यह तो मात्र एक सपना था। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसे सपना नहीं आता हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सपनों से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल फैक्ट फॉर यू। मैं हूं सुशांत पटेल और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम सभी लोग सपने देखते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी लोगों को सपने आते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हम सब एक ही रात में लगभग 2 घंटे तक सपने देखते हैं और यह सपना 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक का होता है। और एक औसत आयु का व्यक्ति अपनी जिंदगी का 5 से 6 साल सिर्फ सपना देखने में ही बिता देता है। रिसर्च के अनुसार नींद खुलते ही हम अपने 50% से अधिक सपनों को तुरंत भूल जाते हैं और 10 से 15 मिनट बाद हम लगभग 90% से अधिक सपनों को भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे वैज्ञानिकों का तर्क है कि हमारे ब्रेन का वह भाग जो हमारी यादों को बनाए रखता है, वह सपने के समय काम नहीं करता है। कई लोगों को लगता है कि सपने में उसे ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिसको उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग अपने आप से कोई भी चेहरा बनाकर हमें नहीं दिखाता है। हम सिर्फ वही चेहरा देखते हैं जो हम पहले से ही देखे हुए रहते हैं और फिर भूल जाते हैं, या फिर हम टीवी और फिल्मों के माध्यम से जो चेहरे देखते हैं वो सब भी हमारे सपनों में आते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या ब्लाइंड लोग भी सपने देखते हैं? तो इसका जवाब हाँ है। जो लोग किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण आंखों की रोशनी खो देते हैं, वे अपने सपने में छवियों यानी इमेजेस को देखते हैं। और जो लोग जन्म से ही ब्लाइंड होते हैं, वो लोग छवियों को तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन वे अपने सपने में आवाज़, सुगंध और स्पर्श को अपनी इंद्रियों द्वारा जरूर महसूस करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हम अपने सपनों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इस तरह के सपनों को लूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है। आधी नींद और आधे सपनों के बीच एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब हम अपने सपनों को कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपने अनुसार कहानी को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रिसर्च के अनुसार हर सपने का अपना एक मीनिंग होता है, जो इंसान के अंदर दबी हुई भावनाओं को उजागर करने का एक माध्यम है। इंसान के द्वारा देखे गए ज़्यादातर सपने नकारात्मक ही होते हैं और ज़्यादातर सपनों में चिंता, उदासी, क्रोध और भय की भावना ही देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें पॉजिटिव सपने नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन हम निगेटिव सपने पॉजिटिव सपनों के मुकाबले ज़्यादा देखते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति अलग अलग सपनों का अनुभव करता है, लेकिन अक्सर सभी लोगों को एक ही प्रकार के सपने आते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति सपने में आपका पीछा कर रहा होता है, या आप पर कोई हमला करता है, आप किसी बिल्डिंग से नीचे गिर रहे होते हैं, या आप अपने सपनों में भूत प्रेत जैसी डरावनी चीज़ों को देखते हैं। इंसानों के अलावा जानवर भी सपनों का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन से यह पता चला है कि जानवर भी सोते समय इंसानों की तरह ही दिमागी तरंगे छोड़ते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जानवर नींद में जब अपनी पूंछ हिलाता है तो वह सपना देख रहा होता है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हम एक ही समय में या तो खर्राटे मार सकते हैं या फिर सपने देखते हैं, लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आविष्कार भी सपनों की वजह से हुआ है। एलियास होवे, जिन्होंने सिलाई मशीन की खोज की थी, उनके अनुसार उन्होंने अपने सपने में खुद को आदिवासियों के कैद में देखा था जो उन्हें जलाने वाले थे। इस दौरान आदिवासी अपने हथियारों को अजीब तरीके से सिल रहे थे, इससे एलियास को सिलाई मशीन की तकनीक समझ में आ गई थी। जेम्स वाटसन, जिन्होंने DNA की खोज की थी, उनका कहना था कि उन्होंने अपने सपने में ढेर सारी स्पायर सीढ़ियाँ देखी थी। हम में से सभी लोग रंगीन सपना ही देखते हैं, लेकिन बहुत समय पहले जब रंगीन TV नहीं हुआ करता था, तब ज़्यादातर लोग ब्लैक एंड व्हाइट सपना ही देखते थे। जब हम सपने देखते हैं तो हमारा शरीर एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि जब हम कुछ भी करने में असमर्थ हो जाते हैं, कई बार तो हम हिलडुल भी नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति को स्लीप पैरालाइज भी कहा जाता है, और अक्सर हम सब सपनों में ऐसा अनुभव करते हैं। तो ये रही सपनों से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।